गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 12, दिस इज़ द ऑनलाइन क्लासेस ऑफ इंग्लिश बाय पारो मैम फ्रॉम पैराडाइज कन्वेंट स्कूल फतनपुर सरायमी राजमगढ़। एंड वी आर रीडिंग इन द क्लास 12 इंग्लिश बुक फ्लेमिंगो चैप्टर नंबर 1 द लास्ट लेसन। द लास्ट लेसन इज बेसिकली डिपेंड्स ऑन नोटिफाइड ऑन द ड्यूरिंग द वॉर बिटवीन फ्रांस एंड प्रशिया, वेयर एज प्रशियन डिफीटेड टू फ्रांस एंड प्रशियंस ऑलरेडी ऑक्युपाइड फ्रांस टू रिस्किस एलेस एंड लॉरिन। सो एलेस एंड लॉरिन का जो एजुकेशन लाइफ के ऊपर क्या प्रभाव पड़ा था, इसका एक छोटा सा ब्रीफली घटना। एक टीचर जो कि इनका नाम है एम हैमेल एंड ऑब्वियसली द लिटिल बॉय फ्रेंच मिस नैरेटर, इन दोनों के बीच का घटना है। तो कैसे फ्रेंच जो कि लैंग्वेज था अलास्का और लॉरिन का, फ्रेंच लैंग्वेज को कैसे बंद करके जर्मन लैंग्वेज को चारों ओर प्रभाव फेंका गया था, इसी के बेस पे ये स्टोरी बनी है। मतलब हम लोग 1870 टू 1871 हम देखे भी है, इससे पहले भी क्लास 10th में तुम लोग जब थे तो तब देखे होंगे नेशनलिज्म इन यूरोप, फ्रांस के ऊपर जो फ्रांस में रेवोल्यूशन लाने से पहले कितना अत्याचार फ्रांस को सहना पड़ा था, फ्रेंच लैंग्वेज के ऊपर पाबंदी लगा दिया गया था, पढ़ाई बंद कर दिया गया था, सो एट्सेट्रा एंड एट्सेट्रा दिस टोटली थिंग वाज हैपेंड। सो टुडे वी आर स्टार्ट गोइंग टू द पेज नंबर 7। नाउ कल हम लोग क्या पढ़े थे, कल हम लोग पढ़े कि मिस एम हैमेल ने जैसे मान लिया था कि वो उनके लिए आखिरी लास्ट लेसन है, उसके बाद उनको जर्मनी भेजा जाए मैंने बर्लिन भेजा जाएगा। तो आज के दिन वो इतना पढ़ा रहे हैं कि एक ही दिन में वो जितना उनके पास ज्ञान है वो सभी के अंदर उसको नॉलेज को शेयर करना चाहते हैं। सो अब नैरेटर क्या बोल रहे हैं, आई हैड नेवर लिसन सो केयरफुली एंड दैट ही हैड नेवर एक्सप्लेन एवरीथिंग विद सो मच पेशेंस। आज से पहले मैंने कभी उनका पढ़ाई इतने ध्यान से नहीं सुना था, जो कि और ना ही कभी इतने पेशेंस से सर ने भी हमें समझाए थे। इट सीम्ड ऑलमोस्ट एज इफ द पुअर मैन वॉन्टेड टू गिव अस ऑल ही न्यू बिफोर गोइंग ऑन। इसका मतलब ये लग रहा है कि जो एम हैमेल सर आज चले जाएंगे, जो उनका आज आखिरी लेसन है, जाने से पहले वो हमें अपना पूरा के पूरा नॉलेज देके जाना चाहते हैं। एंड टू पुट इट ऑल इनटू आवर हेड्स एंड वन स्ट्रोक, और एक ही झटके में हमारे दिमाग में फ्रेंच के बारे में जितनी ज्ञान हो सके वो देना चाहते हैं, बिठाना चाहते हैं। आफ्टर द ग्रामर वी हैड अ लेसन इन राइटिंग, ग्रामर के बाद अब हम लोग कुछ लिखना शुरू किए। दैट डे एम हैमेल हैड न्यू कॉपीज फॉर अस, उस दिन एम हैमेल सर ने हमारे लिए न्यू कॉपीज लाए, रिटन इन ए ब्यूटीफुल राउंड हैंड, फ्रेंस अलास्का, फ्रेंस अलास्का, मतलब जिसमें सुंदर तरीके से सुंदर हैंडराइटिंग से गोल गोल करके फ्रेंस अलास्का के बारे में लिखे। दे लुक लाइक ए लिटिल फ्लैग्स फ्लोटिंग एवरी वर्ड इन द स्कूल रूम, पूरे क्लास में फ्रेंस अलास्का के बारे में ऐसे राउंडिंग करके डेकोरेशन करके उन्होंने ब्लैक कॉपीज को डेकोरेट किया जैसे लग रहा था कि फ्रांस का झंडा चारों ओर लहरा रहा है। हंग फ्रॉम द रॉड एट द टॉप ऑफ आवर डेस्क, सारे सबसे सबके डेस्क के ऊपर कॉपी थी, सबके कॉपी में ही वो ऐसे फ्रांस अलास्का को सिखा रहे थे, मैंने फ्रांस को लैंग्वेज को सिखा रहे जैसे लग रहा था कि फ्रांस का झंडा सबके डेस्क के ऊपर लहरा रहा है। यू ऑट टू हैव सीन हाउ एवरी वन सेट टू वर्क, आपको पता भी नहीं चलेगा कैसे सबने भी मेहनत करके इस चीज़ को कर रहे थे। एंड हाउ क्वाइट इट वॉज, और पूरे के पूरे क्लासरूम कितना शांति से इसको एबल कर रहे थे। द ओनली साउंड वॉज स्क्रैचिंग ऑफ द पेन्स ओवर द पेपर, पूरे क्लासरूम में कोई शोर शराबा नहीं था सिवाय पेन और पेज के, पेन और पेज में वही सब कर रहे थे ना, तो उसके अलावा और कोई साउंड मिल ही नहीं रहा था। वन सम इवन द लिटिल वंस, बच्चे भी चुपचाप अपने काम कर रहे थे, नहीं सॉरी, वन सम बीटल्स फ्लू इन बट नोबडी पेड एनी अटेंशन टू देम, नॉट इवन द लिटिल वंस। अचानक से क्लास में बीटल्स एक प्रकार का कीटा होता है ना, कीड़े मकोड़े जो होते हैं मोटा मोटा होता है ना, बरसात के टाइम में निकलते, क्लासरूम में अचानक से एक बीटल्स आ गया लेकिन किसी ने उसके तरफ भी ध्यान नहीं दिया। इवन छोटे छोटे बच्चे जो कि जिनको डरना चाहिए उन्होंने भी इस चीज़ पर ध्यान नहीं दिया। हु वर्क राइट ऑन प्रेसिंग देयर फिश हुक, सिर्फ अपना काम पे जो कि सर सिखा रहे थे उसी में सब ध्यान दिए। एज इफ दैट वॉज फ्रेंच, और ये क्या है, फ्रेंच के बारे में सीखना।
ऑन द रूफ द पिजियंस कूड वेरी लो एंड आई थॉट टू माई सेल्फ। पिजियन जो होते हैं, जो कबूतर जो लगातार जोर जोर उड़ते रहते हैं, आवाज़ करते रहते हैं, आज वो लोग भी सब शांत थे, मैं भी शांत था। विल दे मेक देम सिंग इन जर्मन इवन द पिजियंस। वो लोग भी सोच रहा है कि कल से क्या होगा, कल से क्या हम लोग को जर्मन के भाषा में गाना गाना पड़ेगा। मतलब सब सबके दिन में एक शांत ठहर गया। Whenever I looked up from my writing, I saw M. Hamel sitting motionless in his chair and gazing first at one thing, then at another, as if he wanted to fix in his mind just how everything looked in the little schoolroom. ऐसे ही अचानक से जब मैंने अपना लिखा मेरा कंप्लीट हुआ, मैं एम हेमल सर की तरफ देखा, देखी कि वो एकदम धीर से अपने चेयर के ऊपर बैठे हैं और चारों रूम के चारों ओर को बहुत नज़रे से, अच्छे नज़रे से वो देख रहे हैं। शायद इसीलिए वो देख रहे होंगे क्योंकि वो आज इनके लिए आखिरी दिन है, तो हर एक स्कूल रूम के हर एक कोने कोने की तरफ वो ध्यान दे रहे थे। फैंसी, ही फॉर 40 ईयर्स ही हैड बीन देयर इन द सेम प्लेस। और क्यों ना देखे, क्योंकि एक इंसान जो 40 साल एक क्लासरूम में अपना जीवन बिताए हैं, आज वहाँ पर उनका आखिरी दिन है, तो वो हर एक कोने को महसूस कर रहे हैं अपने दिल में। विथ हिज गार्डन आउटसाइड द विंडो, खिड़की से अपने गार्डन को देख रहा है, एंड हिज क्लास इन फ्रंट ऑफ हिम, और अपने क्लास को पूरा नज़र देख के अच्छे से नज़र कर रहे हैं। जस्ट लाइक दैट ओनली द डेस्क एंड द बेंचेस हैड बीन ओन स्मूथ। सारे के सारे चीज़ 40 साल में जैसे कि वैसा ही है, सिर्फ हाँ जो बेंच और डेस्क है वो जो यूज़ करते हुए ज़्यादा स्मूथ हो गया था। द वॉलनट ट्रीज इन द गार्डन वर टॉलर। उन्होंने उनके बगीचे में एक अखरोट का पेड़ भी था जो कि जब लगाने से अब तक काफ़ी लंबे भी हो चुके, वो भी वो देख रहे हैं। एंड द हॉप वाइन दैट ही हैड प्लांटेड हिमसेल्फ ट्वाइंड अबाउट द विंडोज टू द रोप। और हॉपवाइन क्या होता है, हॉपवाइन एक प्रकार के लताने टाइप का जो लकड़िया माने जो खिड़की बिरकी पकड़ के जो ऊपर की तरफ जो पेड़ चढ़ते हैं ना, वैसा पेड़ वो लगाया था। देखे वो भी कितना ऊंचाई छत तक पहुंच गया है, ये सब उन्होंने खुद अपने हाथों से बनाए थे, तो आज उनका आखिरी दिन है तो ये सब चीज़ों को वो देख रहे हैं। हाउ इट मस्ट हैव ब्रोकन हिज हार्ट टू लीव इट ऑल पुअर मैन। मतलब सोचो सच में बेचारे उस आदमी को कितना ख़राब लग रहा होगा जो वो खुद अपने हाथों से 40 साल से बढ़ते हुए देखे, आज उसको उनको छोड़ना पड़ेगा। टू हियर हिज सिस्टर मूविंग अबाउट इन द रूम अबव पैकिंग देयर ट्रंक्स फॉर दे मस्ट लीव द कंट्री नेक्स्ट डे। उनको पता चला अभी उनके जो सिस्टर है, सर का सिस्टर रूम में घूम रहे हैं और अपना ट्रंक वगैरह पैकिंग कर रहे हैं, सूटकेस वगैरह, क्योंकि अगले ही दिन उनको देश छोड़ के चला जाना है। But he had the courage to hear every lesson to the very last. लेकिन उन्होंने आखिरी तक हमें लेसन को बहुत ही अच्छे से पढ़ाया। After the writing, we had a lesson in history. लिखने के बाद हम लोग हिस्ट्री के बारे में थोड़ा पढ़ना शुरू किए। And then the babies chanted their baby baby बी बो व्यू। और तभी बच्चे लोग क्या पढ़ रहे थे, वर्ड्स पढ़ रहे थे, जैसे बच्चे लोग पढ़ते हैं ना। डाउन देयर एट द बैक एट द रूम ओल्ड हाउसर हैड पुट ऑन हिज स्पेक्टेकल्स एंड होल्डिंग हिज प्राइमर इन बोथ हैंड्स। ओल्ड हाउसर जो थे वो जो काम करते थे, उन्होंने तब आके सर का स्पेक्टेकल सर को दिया और सर का जो प्राइमरी जो बुक वगैरह था जो सर के हाथ में थमा दिए। स्पेल द लेटर्स विद देम ऑल, और एक चिट्ठी भी उनको दिया। यू कुड सी दैट ही टू वाज क्राइंग। हाउजर जो है वो भी रो रहे थे। हिज वॉइस ट्रेम्बल विथ इमोशन। हाउजर मतलब इतना इमोशनल सीन हो गया था, इतना मैंने पेनफुल सिचुएशन था कि उन वो कुछ बोल नहीं पा रहे थे, उनका वॉयस कांप रहे थे। एंड इट वॉज सो फनी टू हियर हिम दैट वी ऑल वॉन्टेड टू लव एंड क्राई। और सबसे बड़ी बात हमारे साथ जो हुआ, हम ना हंस पा रहे थे, हम लोग ना रो पा रहे थे। हाउ वेल आई रिमेंबर इट द लास्ट लेसन। हमें अभी भी याद है वो आखिरी लेसन जो कि एम हेमल सर से हमें मिला था। ऑल एट वंस द चर्च क्लॉक स्ट्रक 12। तभी अचानक चर्च के घड़ी में 12 बज गया। देन द एंजेलस एट द सेम मोमेंट द ट्रम्पेट्स ऑफ द प्रोएशियन रिटर्निंग फ्रॉम डिल। और अचानक से साउंड आ रहा है, बाजे का आवाज़, ढोलक बलक का बजने का आवाज़ आ रहा है, ताकि समझ में आ रहा है कि प्रोएशियन लोग ऑलरेडी आ चुके हैं। कहाँ पर, अलास्का में। साउंडेड अंडर आवर विंडोज, और खिड़की से ये आवाज़ हम लोग को सुनाई दे रहा था। एम हेमल स्टूड अप वेरी पेल। एम हेमल खड़े हो गए, उनका चेहरा में थोड़ा उदासीपन था। इन हिज चेयर, वो अपने चेयर के ऊपर खड़े हो गए। आई नेवर सॉ हिम लुक सो टॉल, कभी उनको मैंने इतना लंबा देखा नहीं था। माई फ्रेंड्स, और वो बोले सेड ही, उन्होंने बोले आई मतलब बोलने पर थोड़ा हिचकिचा आ गया है, आई बोल के डॉट है मतलब, बट समथिंग चॉक्ड हिम, ही कुड नॉट गो ऑन।
आई आई बोल के वो कुछ बोलना तो चाह रहे थे लेकिन पूरी तरह से वो नहीं बोल पा रहे थे। देन ही रिटर्न टू द ब्लैक बोर्ड टू के पीस ऑफ चॉक। तभी वो अचानक फिर वो चेयर से उतर के ब्लैक बोर्ड की तरफ गए और एक टुकड़ा चॉक लिया। एंड बियरिंग विथ ऑल हिज माइट ही रोट एज लार्ज एज कूड वीव ला फ्रांस। और बड़े बड़े अक्षरों में उन्होंने ब्लैक बोर्ड में लिखा वीव ला फ्रांस, मतलब लॉन्ग लिव फ्रांस, मतलब फ्रांस अमर रहे। इसको फ्रेंच लैंग्वेज में बोला जा रहा है वीव ला फ्रांस, मतलब लॉन्ग लिव फ्रांस, फ्रांस अमर रहे, क्योंकि आखिरी दिन है फ्रांस का ना। देन ही स्टॉप्ड एंड लीन्ड हिज हेड अगेंस्ट द वर्ल्ड एंड विदाउट ए वर्ड ही मेड अ जेस्चर टू अस विथ हिज हैंड, स्कूल इज डिसमिस्ड यू मे गो नाउ। और अब वो लिखने के बाद वो चुप हो गए, अपने सर को थोड़ा झुका के फिर एक बार हमारे तरफ देख के बिना कोई शब्द के सिर्फ अपने हाथ को सबके तरफ दोनों हाथ को उठा के पूरे क्लास को बोले कि आज से स्कूल डिसमिस, आप लोग जा सकते हो। सो दिस इज़ अ वेरी इमोशनल इन द लास्ट फेज द लास्ट लेसन। मतलब सोचो ये जो युद्ध हुआ था, चाहे वो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हो चाहे वो सेकेंड वर्ल्ड वॉर हो, हर एक जिंदगी के ऊपर प्रभाव पड़ा है, चाहे वो इकोनॉमिकल हो चाहे वो फिजिकली हो चाहे वो एडुकेशनली हो। तो कहीं ना कहीं फ्रांस में भी, फ्रांस के एलस्का और लॉरिन पे भी जो इफेक्ट पड़ा था वो एडुकेशन के ऊपर प्रभाव पड़ा था। युद्ध में हारना जीतना मतलब एक एक जीतेगा तो एक हारेगा, जो जीतेगा दूसरा आके एक चीज़ को हटा देगा अपना चीज़ को बिठाएगा। तो इसमें क्या होता है, साधारण जो कॉमन पीपल होते हैं, ऑर्डिनरी जो पीपल होते हैं, उनके जो उम्मीद उनके आशा भरोसा टूट जाते हैं और उदास हो जाते हैं। सो सी हियर वी कंप्लीटेड आवर फर्स्ट लेसन ऑफ द फ्लेमिंगो बुक चैप्टर नंबर 1 द लेस लेसन। इफ हैव एनी डाउट्स प्लीज इन्फॉर्म मी इन माई व्हाट्सएप नंबर एंड टुमारो आई विल सेंड यू द क्वेश्चन एंड द PDF व्हाटएवर यू हैव रिसीव्ड। Have a nice day and goodbye.